बड़ा तो वो होता है जो जनता की सेवा करता है, और मैं तो उनसे पहले करने लगा हूँ। छः साल पहले एमपी बना हूँ, उससे पहले सरपंच रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। और मेरा प्यार जीता है, मेरा विकास जीता है, लोगों ने प्रशंसा की है। और बड़े तो स्वयंभू बड़े थे, और बड़े की हम इज्जत करते हैं। जनता ने स्वीकार नहीं किया तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पहला दिन था विधानसभा, मुझे ये समझ के बाहर की बात है कि किसको इंगित किया उन्होंने। वो किसानों का क्षेत्र है, और किसानों के साथ में इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बड़ा उनके साथ में दुर्भावना की है, उसके साथ न्याय किया उनके साथ में इस तरह से बोलना। अब अपनी पार्टी को बताना चाहिए ना उनको कौन है जयचंद। जनता को पता तो लगे कि जयचंद कौन है भाई। जयचंद सिर्फ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी बोला जा सकता है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। किस चीज का देखिए, किसी इस प्रकार से बोलना मैं सुचित नहीं समझता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर मैं भी तीन बार लोकसभा में रहा हूँ, तीन बार मैं राज्यसभा में रहा हूँ, छह बार मैं रहा हूँ। मर्यादित और मर्यादा तो रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी उनका वीडियो भी बना रहे थे, उसको लेकर भी टिप्पणी की जा रही है। देखिए, ये राहुल गांधी जी को तो टारगेट किया जा रहा है बिना मतलब। राहुल जी को क्या लेना देना है इससे। वो विपक्ष के लोग बैठे थे, वो भी वहाँ खड़े थे, और वो क्या कर रहे थे फोन में, उसको वीडियो बता दिया उन्होंने। वो किसी की मैसेज भी देख रहे होंगे, या किसी से जो है उनका कोई समाचार देख रहे होंगे, कोई बात देख रहे होंगे, लेकिन उसको वीडियो बताना तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो वीडियो बना रहे थे, और उनके जो अलायंस के जो नेता हैं वो उनकी मिमिक्री कर रहे थे, और बाकी नेता जो है वो उन्होंने कहा कि कुछ तो मर्यादा रखो। नहीं, राहुल जी बहुत सादगी से खड़े थे वहाँ पे, मर्यादित थे। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बना रहे थे। वो अपना फ़ोन देख रहे थे, और देखना कोई बुरी बात नहीं है। वो भी उनके साथ विपक्ष के साथ खड़े थे, और खड़े रहना भी चाहिए उनको विपक्ष के साथ में। लेकिन विपक्ष के जो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग जो आप मिर्मी बता रहे हो, मिर्मी बता दो जो भी है आपका, तो मर्यादित तो रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कब तक जो है, नेता प्रतिपक्ष के लिए हमने हमारे विधायक दल के द्वारा एक लाइन का प्रस्ताव हमने भेज दिया कि हाई कमांड को हमने पावर दे दिया, और हाई कमांड जल्दी फैसला करेगा।